अरमान से मिल गई। मानसी कहाँ हो तुम? मानसी हमें पता है तुम यही हो, प्लीज सामने आकर बात करो हमसे। मानसी देखो मैंने हमेशा तुम्हारी बात मानी है, प्लीज मेरी एक बात मान लो, बाहर आ जाओ प्लीज। मानसी मानसी सॉरी भाभी पर मुझे शादी नहीं करनी। मानसी तुम बैठे मानसी क्या हुआ? मानसी क्यों इतनी परेशान हो बताओ तो। मानसी बात कर हमसे, शायद हम कुछ हेल्प कर सके। सॉरी भाई पर मैं आई कांट डू दिस, मैं बहुत ज्यादा डर गई हूँ भाई। अगर आप लोगों की शादी इस तरह अगर आप दोनों के बीच ऐसे इश्यूज आ सकते हैं तो मैं और अनमोल वी हार्डली नो ईच अदर, हम ना ही इतने अंडरस्टैंडिंग हैं ना ही इतने मैच्योर। कल को अगर कोई बात होगी भाई मुझे उसे डिवोर्स नहीं करना, इससे अच्छा मैं शादी ही नहीं करूंगी। आई डोंट ट्रस्ट लव एनी मोर, मुझे किसी चीज पे भरोसा नहीं है, ना ही प्यार ना ही शादी कुछ नहीं। खुद पे तो भरोसा है ना, और अनमोल पे? नहीं भाभी आई डोंट। कम या ज्यादा ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा, पर थोड़ा सा तो ट्रस्ट किया होगा ना, कर खुद पर, उस पर, अपने रिलेशन पर। अभी तो बात शादी तक पहुंची है, बस तो फिर उसी भरोसे के साथ ही कदम उठा। सब यही करते हैं मानसी, हमने भी यही किया, हमारे पेरेंट्स ने भी। शादी अरेंज्ड हो या लव, उसमें सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रस्ट, और फिर प्यार, फिर कंपैटिबिलिटी, और फिर कुछ और। अब तुम्हारे मम्मा पापा को देखो, उनकी तो अरेंज मैरिज हुई थी ना, तुमसे बड़ा रिस्क लिया उन लोगों ने, लेकिन उनकी शादी सक्सेसफुल रही है। मेरे मॉम डैड की भी, भाई भाभी की भी, और आप तो उन्होंने क्या आपने सोचा था कि आपकी शादी इस तरह? नहीं, पर जब हमने शादी की थी ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं आने दी थी अपने मन में, और उसके बावजूद आप तो रोहित सिचुएशन में है। इसका मतलब मेरा डर सच है ना, ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है, इसलिए मुझे ये रिस्क लेना ही नहीं है भाई, मुझे शादी ही नहीं करनी। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है तू? सड़क पे अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो क्या लोग सड़क पे चलना छोड़ देंगे? हर किसी का रिश्ता अलग होता है मानसी, उन्हें कंपेयर करना ठीक नहीं है। कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि चीजें आपके बस में नहीं रहती, आप चाह के भी उन्हें ठीक नहीं कर पाते। लेकिन आपको फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, गिव अप करना किसी भी चीज का सलूशन नहीं होता। हाँ, और जब तक होप है तब तक चांसेस भी है कि सब ठीक हो सकता है। ये रिश्ता क्या कहे, इसीलिए होप कभी मत छोड़ना। ये रिश्ता क्या कहलाता आ जाओ अनमोल। क्या कर रही थी तुम मानसी? भूल गई क्या क्या प्रॉमिस किए थे हमने एक दूसरे से? मुझे सब याद है अनमोल, पर मैं बहुत डर गई थी। क्यों? You know I love you, फिर क्यों तुम? I love you too, but जहाँ I love you होता वहाँ बट नहीं होता, बस I love you होता। और
चले, बाहर सब लोग वेट कर रहे हैं। ओह गॉड, तुम अंदर क्यों आ गए? दादी ने कहा था ना कि वरमाला तक तुम मुझे देख नहीं सकते, अपशगुन होता है। ये शगुन अपशगुन कुछ नहीं होता, कुछ मत मानो इनमें, सब बेकार की बात है। शादी शगुन या मुहूर्त पे नहीं, प्यार और विश्वास पे टिकती है। ये रिश्ता क्या कहलाता है। अब वैसे भी मुझे तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है, पूरा तो मेकअप के पीछे छिपा है। सुनो अपशगुन, चले अभी। शादी का जोड़ा, यादें तेरी बंद आँखों में है। हाँ, गाते तुम्हारी पगड़ी। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। तुम कितनी खूबसूरत लग रही थी उस दिन। तुम कितने हैंडसम लग रहे थे। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे बने। बात क्यों नहीं कर रहे? तेरे ही साए में ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में रोते हुए पल में बस तेरी कहलाता बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने, ओ मोरे सैया रहना एक वर्ड है। बोलो नारा, बोल दो ना, सब सही हो जाएगा। अरे बोल। अरे बोलो ना। सच्ची दूंगा अभी। तुम कौन हो तुम? शादी के पिक्चर्स। नहीं, 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 नहीं
टूटी हमारी शादी करते। तुम्हें पता है क्यों टूटी? अब भी उम्मीद बाकी, ऐसे हार मत मानो, कोशिश करो नई शुरुआत की, क्या पता बात बन जाए। भैया भाभी सब लोग आपको बुला रहे। यादें पूरी तरह बंद नहीं हुई अब तक, मतलब चांसेस हैं अभी। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।